स्टूडेंट्स आइए देखते हैं टॉपिक गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। क्या कहा? एक आवेश अगर स्थिर है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 1/4πε0Q/r² आती है। लेकिन अगर एक आवेश क्या कर रहा है, किसी चालक तार में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो आवेश के गतिशील होने के कारण उस चालक तार के चारों तरफ दो प्रकार के फील्ड क्रिएट होंगे। एक क्रिएट होगा कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र, और एक क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड। और आगे क्या कहा? अगर कोई आवेश गतिशील है, आवेश की गतिशीलता के कारण क्या होगी? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और आवेश गतिशील क्या क्यों करेगा? जब किसी चालक के दो सिरों के बीच में उसके दो एंड्स पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या कह रहा है? एक गतिशील, एक स्थिर आवेश के चारों ओर, एक स्थिर आवेश के चारों ओर पैदा होता है विद्युत। लेकिन अगर आवेश किसी चालक तार में क्या हो? गतिमान हो, तो चालक तार के चारों तरफ दो तरह के क्षेत्र क्रिएट होते हैं, दो प्रकार के क्षेत्र क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। नंबर एक विद्युत क्षेत्र, और नंबर दो क्रिएट होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और अगर आवेश गतिशील है तो आवेश की गतिशीलता के कारण क्या होती है? विद्युत धारा का प्रभाव होता है। आवेश की गतिशीलता के कारण चालक तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। इसी बात को ओरस्टेड ने सिद्ध किया था। आइए इसका हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन देखते हैं। एक या कोई चालक वस्तु और इसमें एक गतिशील आवेश क्या कर रहा है? आपका भी वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। आवेशित कण भी वेग से गति कर रहा है और इस चालक तार से कितनी दूरी पे? r दूरी पे एक आपने क्या कर लिया? बिंदु ले लिया। तो इसमें एक क्या क्रिएट हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी सी थ्योरी आप नोट कर लें। माना कोई धन आवेश प्लस क्यू,
माना कोई धन आवेश प्लस क्यू एक समान वेग भी से एक समान वेग भी से चालक तार में क्या करता है गति करता है तो आवेश के गतिशीलता के कारण आवेश के गतिशीलता के कारण चालक तार में चालक तार में एक क्या क्रिएट होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे क्या कहा माना कि जो आवेश है यह डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा एल दूरी तय कर रहा है। यदि आवेश डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा टी दूरी क्या करता है तय करता है यहाँ पे समय दे दिया तो कितनी दूरी तय करेगा दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित तय समय यहाँ पे आपका आता है दूरी बराबर चाल गुणित समय तो चाल आपका कितना है बी है और समय कितना लग गया डेल्टा टी या डी टी तो डीएल बराबर क्या हो गया वी डी टी हो गया। और आवेश के प्रवाह के कारण धारा आवेश के प्रवाह के कारण आपकी धारा I बराबर क्या होती है डी क्यू अपान क्या होती है डी टी होती है क्यू अपान डी टी। अब आपका क्या कह रहा है बायोसेवर्ट के नियम से धारा खंड से थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से आप निकाल लोगे बायो एंड सेवर्ट के नियमानुसार चालक खंड से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आती है बी इक्वल क्या जाएगा डीवी डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एन साइन थीटा अपन क्या आती है आर स्क्वायर आती है ठीक है। अब आप क्या कर दो यहां से डीएल का मान भर दो तो आपका क्या हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा बी इंटीग्रल डीवी इक्वल इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट है ये वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ से डीवी का इंटीग्रल आ गया बी ये हो गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई और बटे में क्या हो गया आर स्क्वायर। इधर आपका आ गया डीएल और ब्रैकेट उधर क्या जाएगा उसमें आपका साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा। अब आपका बी आ गया डीएल की वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बटे आर स्क्वायर और इधर आपका हो गया भी डी टी और ना हो गया बी डी टी और ये आपका आ गया साइन थीटा आ जाएगा ठीक है। तो यहां से आपका क्या जाएगा
यहाँ से आई टी कर दो, आई टी अब आपका बी बराबर हो गया म्यू नॉट बटे फोर पाई आई बटे आर, और इधर आपका हो गया क्या वी इंटू टी, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया एक मिनट डीएल की वैल्यू रख लिए ना, तो ये हो गया आपका कितना आई टी आपका क्या हो गया, आई टी हो गया आपका क्यू, इधर हो गया वी, इधर क्या हो गया साइन थीटा, और बटे में क्या हो गया बटे में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है क्यू बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा किसका होता है क्रॉस प्रोडक्ट का आता है, तो बी बराबर हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और यहाँ से आपका हो जाएगा Q वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा B वेक्टर, और बटे में क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई आपकी, जहाँ पे आपका B क्या है आवेश की चाल है, और ये क्या दे रहा है आवेश की मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बताया जाएगा, और एम्पियर का परिपथीय नियम विद्युत क्षेत्र में किस नियम से मैच करता है, गॉस के नियम से। क्या कहा था, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या होती है, बंद पृष्ठ से गिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम अगले वीडियो लिंक में बताया जाएगा, आप इंतजार कीजिए। वेरी शॉर्टली आई रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम। थैंक्स।